देखो कैसा परेशान कर रहा है लोग दादा दिल के। अब तेरी आग बंद नहीं होगी। देखो भाभी मैं हूं, टेंशन मत ले, तेरे को उठा दिया हम लोग ने फाइनली। उठ गया क्या बोलती कैसी? मालिश चल होगी ना तुम लोग की? वो मालिश करने के बाद ही तो सोया सुकून से। अरे बाप रे, मतलब रात में उठा था वो पहली बार उठ के ना, साढ़े पाँच बजे के करीब खेल में। अब नॉर्मल उसको सुला रही, सो जा तो सोने का नहीं है। यहाँ वहाँ देख रहा आंखें खोल के, सुबह भी आंखें खोल के यहाँ वहाँ देख रहा, यूसुफ को देख देख के हंस रहा। अभी चालू कर दिया उसने, अभी मालिश हुई बोल के ना बेहोश है। अभी लोग ऐसी एड़ बगा रहे ना तो यूसुफ इन लोग दे रहा ना जीरी को फटके देके खिला। तो परेशान करूंगा तू, मेरे को कुछ बोलना नहीं। हां मैं तो फाइट मारता है। किधर है भाई, तेरे को ही ढूंढ रहा हूं मैं, किधर है, आया नहीं अभी तक। आ जा। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम। मतलब बोलते ना पापा के लिए कुछ तैयारी चल रही है यहाँ पर। हाँ, पापा की मम्मी के लिए। पापा की मम्मी के लिए, मम्मी इधर पे। इसका खाना चल रहा है अभी, मालिश वालिश हो गया उसका। हाँ खाना चल रहा है। और जीनत इधर पे पापा को संभाल रही है ना। और रियाज भाई यहाँ पर चल रहा है, हम लोग का लेटा है, पापा यहाँ लेटा है। वैसे तो दो दो काम चल रहे हैं घर में, ऊपर स्ट्रीट फूड जायका रिनोवेशन भी चल रहा है, स्ट्रीट फूड जायका का रिनोवेशन। बहुत बिजी है, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। आप लोग मेरी अवतार देख के समझ गए होंगे, जरा भी टाइम नहीं है भैया, दुपट्टा लिए बस तुमको बनाना है बनाओ, हम हमारा काम कर रहे थे। तो वो जो ब्रेक टाइम बीच में मिला ना कि बंदा खाना खाने गया, हम लोग भी लाइट लेकर आ गए हैं और भी साथ ही साथ ये कर रहे हैं। तो अम्मी जरा आज मैं पूछता हूँ तुमसे, क्या पूछेगा बेटा? क्या बना रहे हो आप? क्या बना रही हूँ आज? मैं बना रही हूँ जच्चा बच्चा की पंजेरी। क्या नाम है? लेकिन जच्चा बच्चा वो होती है जो डिलीवरी वाली औरत होती है। भैया आपकी ना, आपकी बहुत खूबसूरत टांगे ना बहुत अच्छे से बैकग्राउंड में आ रही है हमारे। तो देखो पंजेरी की रेसिपी तो मैंने मेरे चैनल पे शेयर करी ही हूँ। हाँ। लेकिन अभी रफली आपको बता रही हूँ कि मैं आज किस तरीके की बना रही हूँ। हाँ। ठीक है ना। हाँ। ऐसी रफली बताने वाली हूँ, पूरा बना के फिर तैयार हो जाएगा, उसके बाद देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने, अच्छा दोस्त लोग इसको सलाम करने का, ऐसा नहीं करने का, चलो जाने दोस्त को छोड़ो, वो खाली दोस्त लोग बुलाता है, खाली कुछ बोलता नहीं। फिर यहाँ पर सबसे पहला मैंने ली हूँ सूखा खोपरा, सूखा खोपरा पाव किलो। और यहाँ पे लिए हमने छुआरे पाव किलो। हाँ। है ना, 50 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम यहाँ पे हमने लिए हैं मखाने, और यहाँ पे 100 ग्राम मेन चीज लिए हमने गोंद। है ना, और 100 ग्राम लिए है किशमिश। अच्छा। और इसके अंदर डालेंगे हम ये 50 ग्राम अलसी। है ना, और ये मेथी दाना मैं हटा दे रही हूँ। मेथी क्यों हटा रही हूँ? क्योंकि मैंने पूरी जड़ी बूटी जो पंजेरी में जाती है ना, वो रेडीमेड यहाँ पे पीसी भी मंगा ली हूँ। इसमें 6-7 किस्म की जड़ी बूटी भी है, मेथी भी है, सब कुछ इसमें पीस के मिल गया मुझे। और ये हमारे मालवनी में माइकोटी में मिलती है। हाँ, तो ये भी जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पे हमने लिए है 1/2 किलो जैगरी। जैगरी हाँ, मतलब ये गुड़, पिसा हुआ गुड़ होता है। ठीक है, और इसके साथ हमने यहाँ पे लिए है 50 ग्राम अजवाइन और 100 ग्राम ये सो। ये मैं अच्छे से पहले भून लूँगी तवे पे, और इसको डब्बे में बंद करके थोड़ा सा काला नमक भी इसके साथ रख के इसको दे दूँगी, ताकि ये जब भी पानी में हाथ डाले, है ना, बच्चे को दूध पिलाने के पहले नहा धो के जो निकलते हैं तो थोड़ा सा ये चबा ले। हाँ। तो उससे क्या होता है, गर्माहट रहती है और बच्चे को सर्दी वगैरह नहीं होता है अजवाइन चबाने से, और जच्चा का भी पेट वगैरह अच्छा रहता है। ठीक है, तो बस यही बना रही हूँ, और ये इलायची पाउडर मैं इसमें ज़रूर मिलाऊंगी। और इसी के साथ एक बात और शेयर करूंगी कि यहाँ पर हमारे घर पे ना, ये किसी बंदे ने हैदराबाद से केक भेजे। क्या नाम है भाई उसका? जहांगीर। जहांगीर भाई, जहांगीर भाई, थैंक यू। भी हमारी बहुत हेल्प किए थे, एनटीआर गार्डन में हम गए थे ना, तो काफ़ी लोगों ने हमें गिफ्ट दिया था, और हमारा मन भी था एनटीआर गार्डन घूमने का, तो गिफ्ट हम उनको दे के घूमने गए। अच्छा, संभाल रहे थे वो सामान, याद है कौन? हाँ, बंदा चश्मे वाला बंदा ना। तो उन्होंने भेजे थे, लेकिन उस पे लिख के भेजे है छोटू यूसुफ, छोटा यूसुफ। ये मेरे ना जो दूसरा पोता हुआ है ना, उसकी खुशी में भेजे उन्होंने।
तो अभी वो तो नहीं काट सकता ना, तो ये बड़ा यूसुफ ही काटेगा। हाँ तो यूसुफ काटेगा ये केक। हाँ, और ये पंजेरी के लिए हमने बताया नहीं, आधा किलो घी लगेगा। हाँ ठीक है, अब मैं इसको पूरा तैयार कर लूंगी, फिर आप लोग से मिलती हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों को सब एक एक चीज ढूंढ के करे तक, अब शेरू के पास भी थोड़ा टाइम नहीं है, ऊपर अपने को जाने का, हम लोग का दूसरा काम भी चल रहा है, और इसकी ऑलरेडी रेसिपी स्ट्रीट फूड जायका पे है। पंजेरी नहीं है, दो दो तीन तीन किस्म की मैंने पंजेरी डाली हूँ। तो ठीक है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर करने वाला हूँ, रियाज तू कमेंट में फिर भी शेयर कर देना। ठीक है, यहाँ पर देखो आ गया इसका, ओ बर्थडे बॉय केक, क्या बात है, मेरा बच्चा सुधर गया, देख रहा चाचू, डर बोले अभी ज्यादा बोलूंगा तो चाचू पका देंगे। थैंक यू बोलो पहले, जहांगीर, तू भी आ जा, क्या नाम है, जहांगीर चाचू को, ठीक है, छोटे यूसुफ का केक है, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ उस पे, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो सबको मुबारक हो, आप लोग को सबको मुबारक हो, मेरे बच्चे की खुशी में देखो, अभी पैदा हुआ है, बर्थडे भी नहीं हुआ, छिल्ला भी नहीं हुआ, उसके नाम का पहला केक भी कट गया, लो हाथ में लो, लो दादी को खिलाओ, क्या बोलते हैं, मुबारक हो, ये तो रेड वेलवेट है, सबको खिलाओ, मुबारक हो, बोलो जाके, मैं एक बात बताना तो भूल ही गई, जब से ना छोटा पापा आया ना, मेरा यीशु बेड़ा हो गया, हर किसी को, छोटे को, बड़े को, दादी को, दादी को, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, अब्बा को खिलाओ, जल्दी खिलाओ, दादू बोले रुक जा, मैंने उसका नाम ही मुबारक रख देता हूँ, मुबारक भाई, ओह रेड वेलवेट, हाँ टेस्टी भी है, जो कल वीडियो आया था वो वीडियो में इतनी सारी दुआएं आई है, ऑलमोस्ट 1500 कमेंट्स आए हैं, मुबारक हो, गॉड ब्लेस, और बहुत सारी दुआएं है बच्चे के लिए, नूर के लिए, पूरी फैमिली के लिए, मुबारक हो आप सभी को, हमारी फैमिली को, मुबारक हो, खत्म ही नहीं हो रहा है, सबको मुबारक हो, मुबारक हो, हाँ आप लोगों को भी कर दिया, आप लोगों को भी सही में बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि हम लोग जब मीटअप में मिलते ना तब हमको पता चलता है कि यार ये लोग हम लोग को एकदम फैमिली मानते हैं, एकदम प्यार बहुत सारा करते हैं, तो आप लोग भी हमारी फैमिली से जुड़े हुए हो, और बहुत सारे जन को एकदम सरप्राइज वाला खुशी मिली थी कि हाँ भाई बेबी हो गया है, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों का इतना सारा प्यार मिला, प्यारे प्यारे कमेंट्स है ना, के पढ़ के दिल खुश हो गया मेरा, सच में अल्लाह हर किसी के घर में ऐसी खुशियाँ नसीब करे, जो भी औलाद है, जो औलादों को तरस रहे, अल्लाह उनके घर में जरूर से जरूर, मैं बोलिए खुशी आना चाहिए, सही में उन लोगों ने भी हमको ना मुबारक भेजे हैं, दुआएं भेजे हैं, जो बोले हैं ढेर सारी, हमारे लिए भी दुआ करना, तो मैं तो दिल से दुआ कर रही हूँ सच में उन लोगों के लिए, पहले अल्लाह ताला सुन ले कि उनके भी गोद में एक अच्छा सा बच्चा दे दे, मैं तो दिल से दुआ कर रही हूँ सबके लिए। और पता है तुम लोगों को, पहले ना रियाज सबसे छोटा था, तो पिछले 3.5 साल से अभी ये बड़ा हो गया है, क्या नहीं घर में साथ है, सबसे लड़ता है, मैं छोटा हूँ तो अभी अभी परसों तक ये यूसुफ भी बड़ा था, अभी ये छोटा हो गया, छोटा था अभी ये बड़ा हो गया, भाई जान दो पहली रात कैसे दिख लिया मेरे को मालूम है, तरकारी बड़ी मार के भाग रहा था वाला, नहीं सो सकता भाई, सर पकड़ लेला, हर आधे घंटे में उठा दे रहा, सो रहा हूँ मैं, गहरी नहीं लग रही, हर आधे घंटे में उठा दे रहा है, मैं बाहर निकला, बाहर से कड़ी मारा, बोला मैं नहीं जा रहा अंदर, थैंक यू सो मच दुआओं के लिए, ऐसे दुआ करते रहो। तो वापस हम लोग आ गए ऊपर से सेकंड राउंड पे, नीचे अम्मी ने अपना काम कर लिया, और घर में खुशबू ही खुशबू लग रही है एकदम, क्या क्या किया अम्मी तुमने, क्या बेटा सब देसी घी में पूरा फ्राई कर लग रहा है, एकदम शाइनिंग शाइनिंग लग रहा है, सब फ्राई कर ली हूँ, अभी मिक्सर में जा रही हूँ सब अच्छे से बारीक पीस ले, तू मार खिलाई यूसुफ को, मैं खुद मारी इसको, देखो
और ये मैं तो प्यार कर रही हूं। इसने बोला क्या? बेवली बेवली बोला ना तेरे को अभी इसने, ताजा ताजा सुना मैं भी। पागल थी क्या तू? नहीं है तूने तुम वो शॉर्ट वीडियो में नहीं क्या? अरे दारू पीने का है, दारू पीने का है, वो देख लिया है पागल। अरे बेवड़ी बेवड़ी, अरे तू हाँ। कुछ भी मत देखा करे भाई, रील्स वील्स पे देख रहा है, रील्स देख रहा है सबको। हटाओ इसको, मारो गोली, डिस्के आओ। इसलिए मारी मैंने इसको। चलो अरे मस्ती, अरे वीडियो बना ले भी आराम से। ये हो गया है सूप और अजवाइन, इसमें हम डाल देंगे काला नमक जो कि हमने अच्छे से बारीक कर लिए है, ये खाने के लिए अलग रख देंगे। अब यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट मैंने अच्छे से घी में फ्राई कर ली हूँ, अब इसको पीस लेंगे। क्या 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 सॉरी किस लिए इसको बोल रहा है तू? सॉरी बोल रहा है मेरे, मुझे इसकी नक्की तो छाप करो, कोई नक्की नहीं है, है अरे कलर देख, नहीं नक्की है, नक्की है। हाँ आप बता, सॉरी किसको बोल रहा तू? मेरे को क्यों बोल रहा है? जीनी को बोल, तूने जीनत को बोला जो बोला, मुझे बोला उसने सॉरी, अभी बोलता है कि अच्छा आपको मुझे बोलना। वेरी गुड पापू, वेरी गुड, ऐसे सॉरी बोलते रहने का, सॉरी बोल okay. बड़ी इसका मोबाइल का रिचार्ज मैं कराता हूँ। शादी के बाद चेंज होता है। पोपर बड़ा वाला ऐसी चोटे अम्मी किसको बोल रही हो? तो देखो मेरे को ऐसी चोटे जैसा मेरे को कुछ ऐसा तजुर्बा। ये क्या पीस है मैं तुमने? ये गोंद, गोंद गोंद पीस के डाले। हाँ नहीं तो दांत में फंसता है ना सब। अब यहाँ पे पीसेंगे ना हम ड्राई। हर बार तुम ना चैनल पे ऐसा वीडियो के हिसाब से बनाते, लेकिन ये कैसा मजेदार ना एकदम माहौल, ये एकदम एक्चुअल बना रहे तुम अपनी बहू के लिए, अगले महीने फिर आपा के लिए इंशाल्लाह। ये तो कितने बार खाई है उसने। तो गाइस दुआ करो आपा के लिए भी, आपा का अच्छे से नॉर्मल हो जाए। दादा मैं तो हर वीडियो में बोल रही आप लोग को दुआ करने का। हाँ ये क्या था? काजू बादाम पिस्ता, काजू बादाम पिस्ता। अब थोड़ा थोड़ा तो चबाने में आना चाहिए ना। हाँ तभी तो मजा आता है। पूरा पीस लूंगी बारीक बारीक, चौड़ा कर लूंगी तो फिर मजा नहीं आएगा। ये खजूर ना, अरे बहुत टाइट रहता है, काटना भी भारी था, काटी मेरा हाथ ऐसे ऐसे, अभी यहाँ दर्द चालू हो गया। इतना तो चलता है ना, अभी पापा के साथ खेल रही थी ना तू। ये दोनों पापा लोग मेरी बैंड में हैं। ये ना अभी तो दूसरा वाला और मिला है। ये बिना पीसे ही मिला देगा काजू किशमिश। अब इसको भी पीस लेंगे हम, इसके साथ हल्सी के साथ पीस लेंगे। थोड़े से अच्छे डाल दूंगी। ये अक्के बड़े बड़े नहीं हो गए? मैं थोड़े बड़े से डाले ना इसमें। ये बड़े नहीं हुए बेटा, ये देख, ये है ये देख। ये ऐसा है क्या? ओके तो पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न है वो। अब आ रहा बाबा मेन बात, बड़ी डेंजर आवाज आती इसकी। हां अरे गुंडे का उठेगा तेरा, पीछे से गुंडा उठेगा। अरे ना पीछे नहीं जाता जल्दी, खजू इसको काटने में जीनत की हालत खराब हो गई है। अभी ना मैं ना ये हलीम वाले थाल में डालूंगी, क्योंकि ये ना ये वाला थाल थोड़ा सा छोटा है। देखी गिरी हो गया ना, देखी कैसा बनता है, सीख गई। सीख गई दादा मैं पक्का। अभी इसमें ना अपनी मर्जी के ड्राई फ्रूट, अच्छा क्वांटिटी वाले होना चाहिए, भुनना पड़ता उसको पीसने से पहले। कर देंगे ना मैं पीस के ऐसे मिला लूंगी। हाँ और इसके साथ अभी हम इसके अंदर मेन मुद्दा डालेंगे, या तो बारीक शक्कर आप इसमें पीस के मिला लेना, या तो आप जो गुड़ है ना पिसा हुआ वो मिला लेना। लेकिन इसमें देखो ये जो गोंद है ना, ये अभी पूरा मिक्स नहीं हुआ है, ये देखो है ना, इसको हाथों से मिलाना पड़ेगा। ये देखो इसको हाथों से मिलाना पड़ेगा थोड़ा, देख रहा पापड़ू, क्योंकि उसमें ना घी है ना,
तो घी ने उसको गोल गोल करके चिपका दिए, ना तो सब जगह मिला नहीं। अभी इसके अंदर मैं ना पिसे हुआ गुड़ डालने वाली हूँ, मैंने रेडीमेड पिसा हुआ गुड़ लेके आई हूँ। आजकल तो सच्ची ज़माना इतना फास्ट हो गया ना, शॉर्ट में भी बहुत सारे काम हो जा रहे। देखो हमारे टाइम पे तो ना मिक्सर विक्सर में भी नहीं, मेरी बहन तो हाथ से खलबत्ते में कूट कूट के ये बनाती थी जड़ी बूटियाँ। हाँ। लेकिन यहाँ पे तो जड़ी बूटी का देखो आप लोग पिसा हुआ पाउडर मिल गया मेरे को नसीब से, है ना, है ना, ये वाला इसकी बात कर रहे हैं, देखो ये वाला ऊपर से वो खोपरा। हाँ अरे खुला है, खुला है, ओह बच गया। ये देखो ये ना 150 ग्राम का पैकेट है, लेकिन मैं नॉर्मल डालूंगी, मेरे को मालूम है मेरी नूर कितना खाने वाली है। नहीं तो फिर उठा के फेंक देंगे सब कचरे में। कचरे में फेंकी तो मैं इसको फेंक दूंगी उठा के। हाँ क्यों बोल रहे ऐसा मी तेरे को? पिछली बार मेथी के लड्डू नहीं खाई थी। खबर भी नहीं, डब्बे के डब्बे, कचरे के डब्बे में क्या शायरी मार रही है जिरा। इसने मेथी के लड्डू के डब्बे ना कचरे के डब्बे में डाली थी, पूरे अखे अखे डब्बे। मम्मी ने इतने महंगे वाले असली बड़े बड़े लाए थे, बड़े बड़े खाना में खाना। देखो फिर भी मैंने ना एक मुट्ठी ही डाली हूँ ताकि ये खा सके, पूरा नहीं ऐड कर रही हूँ, नहीं तो सच में ये छोड़ देगी। ये कैसी है मेरे को पता है। यहाँ पे मैं डाल, अरे वो उन्होंने बोले लेकिन ज्यादा डालना कर गई, पाउडर थोड़ा कड़वा आएगा चलेगा, खाएगी ना, खाएगी ना कड़वा, खाएगी ना। तुम कंपनी देंगे ना? मैं कहाँ से देने वाला है सब पे कंपनी, मेरा खुद का बना के रखी लम्बी ने। वो भी लेके जाती ना हॉस्पिटल में, कंपनी दे रही है। वो सिस्टर लोग भगा देते। अरे मत डाल यूसुफ, मत डाल, तो इसमें मिलावट कर रहा तुम्हारा पोता। गुड़ आ गया भाभी मिठास। अब यहाँ पे जिसको गुड़ नहीं पसंद है ना वो शक्कर बताशे और वो जो क्या बोलते बाबा मेरे को नाम ही नहीं आता, वो जो नहीं क्या खमंड, नहीं नहीं खड़ी शक्कर भी आप किसके इसमें मिला सकते। एक आता है जो शक्कर से ही बनता है उसको भी, हाँ उसको भी आप पीस के इसमें मिला सकते हैं। यहाँ पे तो मैं गुड़ी यूज़ कर रही हूँ, क्या डिलीवरी वाली के लिए ना गुड़ी अच्छा है, जितना गरम गरम वो खाएगी उतना अच्छा रहेगा। दादी मैं भी डालता हूँ गुड़। अब बोल क्या बोल रहे हैं? अरे माँ बेटे रे भाई, माँ बेटे, माँ बेटे, कितना कंफ्यूज कर रहा है उसको, माँ बेटे, माँ बेटे, माँ बेटे, ऐसा कर पहले माँ, ऐसा कर पहले माँ फिर बेटे, माँ बेटे, हाँ ऐसा, माँ बेटे, हाँ माँ बेटे मिलके कुछ कर ले। 51 रुपया नूर दे जी, नहीं तेरे पास काम आया अब आपको भी चाहिए गुड़ डालने का आपको? नहीं नहीं मेरे को नहीं डालने का, आपको भी डालने का है। हाँ। लेकिन नहीं मिलेगा, मुझे डालने क्यों इतना मीठा बस हो गया मानो। इसमें जो हमने छुआरे डाले ना सूखे खजूर, वो भी मीठा है, किशमिश डाली हूँ। अरे तो वो डालो ना, जड़ी बूटी डालो ना फिर थोड़ा। हाँ मैं लाया है उसमें इतना सारा 150 ग्राम बोला उसने, 1 किलो के सामग्री में डाल देना तो फिर बनता है यार। 100 ग्राम भी नहीं डाले देखना, नहीं डालती ना मैं इसमें, क्योंकि अम्मी चाहते हैं कि पूरा ना खराब हो जाए, क्योंकि भाभी अगर सही में नहीं खाएंगे तो वेस्ट हो जाएगा ना। वाह वाह, अम्मी थोड़ा मेरे को भी देना, ये देखो इसकी भी डिलीवरी हो रही है। के कड़वा कड़वा ये खाती क्या, फिर मैं आधा मिलाऊंगी। सुबह सुबह खाने के लिए खाली पेट अभी डाल क्या, अभी निकाले अम्मी ने कुछ। हाँ ये बिना बात ये डालता हूँ अम्मी, बस अम्मी पूरा नहीं डाल लेना भाभी, अभी भी आधा से ज्यादा थैली में देखो हड्डियाँ अच्छी रहेगी, मजबूत रहेंगी कम से कम, मेरी ताकत देखो, टेंशन नहीं रहेगा बाद में।
मिला रही है, हमें सही है बोली थी। अरे ये भी मिला रही हूँ ना तेरे बिना बोले। हाँ हाँ बाबू, ये भी मिला रही ना। बस तो यहाँ पर हमारी खोपरे वाली पंजीरी रेडी हो गई है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बर्नी में। बर्नी में पानी नहीं होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। एक बूंद भी इसमें पानी रहा आपकी पूरी पंजीरी ख़राब हो जाएगी। सवा महीना इसको खाना है, एक महीना, तो इसके लिए सूखे कपड़े से बर्नी को अच्छे से पोंछ लेना। अच्छा ये क्यों अम्मी अच्छा है मेथी के लड्डू से? मेथी के लड्डू देखो क्या होता है ना, उन लोग हर तरीके से देसी घी यूज़ नहीं करते। उन लोग के जो मर्ज़ी में आया उन लोग बनाते हैं, लेकिन बोल देते हैं कि देसी घी में बना है, और उसमें अपने मन मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट भी नहीं मिलाते हैं उन लोग। उन लोग आटे का यूज़ ज़्यादा करते हैं। आटा आपके लड्डू में ना ज़्यादातर आटा निकलेगा उसमें। यहाँ पे हम हमारे घर में अपने हाथ से जब हम हेल्दी बना सकते हैं ड्राई फ्रूट के साथ, तो क्यों फिर वो आटे का खा के डिलीवरी में यूज़ करने का। ये फ़ायदेमंद ज़्यादा है रेडीमेड से ज़्यादा। ये आपकी हड्डियाँ मजबूत रखेंगे सवा महीने तक, है ना। और दूसरी डिलीवरी होने के लिए मजबूती पैदा करेगा आपका। देखो ये भी नसीब होना चाहिए, अल्लाह हर किसी को ये भी नसीब करे। और पूरा महीने भर की छुट्टी हो जाती है नाश्ते की। तो ये कब खाने का मैं? ये सुबह खाली पेट में मुंह धो लेने का, मस्त में एक कटोरे में ले लेने का, एक बाटी ही खाने का, ज्यादा नहीं खाने का। एक बाटी लेके खाने का, या एक तस्तरी में डाल दिया आप, तस्तरी भर लिए वो खा लीजिए, और एक गरम गरम कॉफी पी लीजिए या दूध पी लीजिए। मस्त में रहने का, खाने पीने का एकदम टेंशन नहीं लगेगा। अंदर देसी घी है ना, तो खाने के बाद में जैसा गले में ऐसा ना लगे कि बहुत से लोगों को घी नहीं चलता ना, क्रैश होती है। तो ये खाने के बाद में थोड़ी सी गरम गरम कॉफी, चाय, दूध, कुछ भी गरम चीज़ इस पर पी लेने। और ये सौंफ क्यों है, सौंफ आइटम? ये सौंफ तो ऐसा है ना कि बच्चे को सर्दी नहीं होती। इसमें अजवाइन है, अच्छा हाजमा अच्छा रहता है, इसके पेट में दर्द नहीं होता है। अगर ये चबाएगी तो इसी की वजह से बच्चे को दूध आएगा, तो बच्चे को जो पेट में दर्द वर्द होता है, गैस वगैरह होता है, पेट कड़क होता है, वो सब चीज़ें नहीं होती है। इसमें सोप, अजवाइन और काला नमक है। ये बच्चे के लिए दवाई के हिसाब से? हाँ, अगर आप डिलीवरी के बाद कपड़ा धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, आप पानी में हाथ डाल रहे हो, और वैसे ही आते बराबर आप बच्चे को गोद में लेके दूध पिला देंगे, तो आपका बदन ठंडा रहता है, तो वो सर्दी ना बच्चे को पकड़ लेती है। अगर आप बर्तन धोते धोते, कपड़े धोते धोते अगर बच्चा रो रहा है, तो आप बेशक उठिए पिलाइए दूध, लेकिन मुंह में ये एक चम्मच भर के डाल दीजिए, चबाते चबाते आप बच्चे को दूध पिला लेंगे, तो आपके बच्चे को सर्दी नहीं होगी। पंजेरी तैयार, और यहाँ पे उसका सोप और अजवान भी तैयार। हेलो, तुम्हारा राशन तैयार है भाई। अम्मी वेट कर रहे हैं कि अगले महीने वापस से मौका मिले अच्छे से बनाने का। तो तुम लोग बहुत सारी दुआ करो कि आपका भी बहुत अच्छे से हो जाए, नॉर्मल हो। अच्छे से नहीं, नॉर्मल हो, अच्छे से हो, और जल्दी जल्दी हो, क्योंकि वहाँ पर टाइम निकालना इतना टफ हो जाता है ना ये डिलीवरी के वक्त में, कि कोई बोल ही नहीं सकता। सब जन्म जाके आए वो बोल रही है डिलीवरी के लिए जो हॉस्पिटल जाते हैं ना, वहाँ एक दो घंटे में डिलीवरी हो जाए, जल्दी हो जाए, मतलब जैसा नोटिस हाँ, अंदर जाए और बाहर आए ऐसा हो जाए, तो इंसान है ना, दो घंटे का दर्द नहीं, इंशाल्लाह दो घंटे में हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके ठीक है, चलो गाइस फिर ये वाला वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक ले टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ सही में, ससुराल के चैनल पे आते हैं, देखते हैं, चले आते हैं, सब्सक्राइब करो यार, इतना सारा प्यार मिला ससुराल को। हाँ, लेकिन है ना, सब्सक्राइब करने वाले सब्सक्राइबर नहीं मिले, वैसा सपोर्ट नहीं मिला। सबने वीडियो दिए, देखे, मजे लिए, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए उसको, तो प्लीज चलो गाइस फिर, हाँ सब्सक्राइब करना बनता है ना भाई। चलो बाय बाय, खुदा हाफिज़।